नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Hot 10S वर्सेस Infinix Note 11S का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Hot 10S में 6.75 इंच जबकि Note 11S में 6.8 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Hot 10S में 3.05 इंच जबकि Note 11S में 3.08 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Hot 10S में 0.36 इंच जबकि Note 11S में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Hot 10S में 211 ग्राम जबकि Note 11S में 212.5 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Hot 10S में 6.82 इंचेस जबकि Note 11S में 6.95 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Hot 10S में 720x1640 और Note 11S में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Hot 10S में 83.23% जबकि Note 11S में 85.06% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Hot 10S में 263 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Note 11S में 387 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Hot 10S में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में थर्ड कैमरा देखने को मिलता है। और Note 11S की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Hot 10S में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Note 11S में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Hot 10S में Mali-G52MC2 जबकि Note 11S में Mali-G57MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Hot 10S में MediaTek Helio G85 और Note 11S में MediaTek Helio G96 मिलता है। बात करें RAM की तो Hot 10S में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है, जबकि Note 11S में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Hot 10S में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Note 11S में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Hot 10S में अप टू 256GB जबकि Note 11S में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Hot 10S में 6000mAh जबकि Note 11S में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Hot 10S में 4 कलर्स जबकि Note 11S में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Hot 10S में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 9999 रुपीज
6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹10,999 में मिल जाता है। वही अगर बात करें नोट 11S की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹12,999, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹15,999 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Infinix Hot 10S में 5 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Infinix Note 11S की तो उसमें 6 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में नोट 11S आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में नोट 11S आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y20 है, दूसरा Oppo A53 2020 है, तीसरा Vivo Y20i है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A15s है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।